एक गांव में एक मछुआरा रहता था उसका नाम था गोपाल गोपाल बहुत ही मूर्ख और ना था वह हमेशा बिना सोचे समझे काम करता और गलतियों को बार बार दोहराता था एक दिन गोपाल ने अपने मित्र से सुना कि गांव के जंगल में एक जादुई मछली का झील है जिसमें सोने के नग छिपे हुए हैं। उसने विश्वास किया और तुरंत वहाँ जाने का फैसला किया गोपाल झील के पास पहुँचा और अपनी नाव लेकर उसमें चला गया वह बड़ी ही उत्सुकता से सोने के नगों की खोज में लगा बहुत देर तक उसने झील में पानी में तैरते हुए कोई सोने के नग नहीं दिखे फिर भी गोपाल नहीं हारा उसने अपनी नाव को झील के बीच के बड़े बड़े पत्थरों के पास लेकर जहाँ वहाँ फिर खोजना शुरू किया धीरे धीरे गोपाल को अपनी बेवकूफ़ी का आवाज होने लगा उसने समझा कि वहाँ बिना सोचे समझे झील में आकर्षित हो गया था जो किसी ने उसे गलत जानकारी दी थी गोपाल को अपनी भूल का आपस होते हुए बहुत पछतावा हुआ उसने अपनी नाव लेकर वापिस गांव की ओर रुक किया और अपने मित्र को यह बात बताई वे सभी मिलकर हंसी में डूबे और गोपाल को समझाया कि वह अगली बार सही और तरीके से सोच समझकर किसी काम को करे इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे और बिना सत्य की जांच किए किसी के शब्दों को विश्वास नहीं करना चाहिए हमें हमेशा सोच समझकर और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए